मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में किसान की मेहनत पर फिर रहा पानी। खुले वेयर हाउस में रखे गेहूं भीग रहे हैं। बरसात के पानी में राजगढ़ जिले के वेयर हाउस की लापरवाही फिर सामने आई, जहां कुछ दिनों पहले बरसात में गेहूं खराब होने की खबर सामने आई थी, वहीं फिर बरसात में खुले में रखे गेहूं भीगते हुए नजर आए। राजगढ़ मुख्यालय के पास में सुंदरपुरा गांव में किसानों की मेहनत और सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं में रखे हुए हैं, परंतु प्रशासन की लापरवाही की वजह से किसानों की मेहनत पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। जहां कुछ दिन पहले बरसात में गेहूं भीग जाने के कारण कुछ गेहूं अंकुरित होने लगे थे, वहीं गेहूं में कीड़े और सड़न पड़ने लगी थी। गाँव के करीब 25,000 मीट्रिक टन सरकारी गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीद कर खुले कैंप में स्टोरेज किए गए थे। तेज आंधी के साथ हुई बारिश में राजगढ़ वेयर हाउस के खुले कैंप में रखे गेहूं पुख्ता इंतजाम न होने से वेयर हाउस प्रभारी की लापरवाही के कारण बारिश में गीला होकर लापरवाही की भेंट चढ़ गया। क्योंकि खुले कैंप में बनाए गए किसी भी स्टेज को खोलने पर नीचे गेहूं पानी लग जाने से सड़ चुके थे। वहीं प्रशासन के द्वारा इन गेहूं को लगातार वहां से हटाया जा रहा था, वहीं यहां लापरवाही फिर से सामने आ गई, जिसमें लगातार बारिश का दौर जारी है और इसकी वजह से खुले में रखे 15,000 मेट्रिक टन गेहूं बारिश में भीग रहे थे और प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं था। इस मामले में SDM श्रुति अग्रवाल ने वेयर हाउस इंचार्ज को निर्देशित करते हुए कहा है कि बारिश में गेहूं का स्टोरेज नहीं भीगना चाहिए। वहीं पिछले दिनों में भी उनको चेतावनी दी गई थी कि ऐसी गलती दोबारा ना हो तो नियम अनुसार उस पर कार्यवाही की जाएगी। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। भीगे हैं मैम सुंदरपुरा में, क्या है पूरा मामला? सुंदरपुरा में अप्रॉक्सीमेटली कुछ 15,000 एमटी गेहूं बचा हुआ है और बाकी वहां से वो लिफ्ट कर रहे हैं और उसको व्यवस्थित जगह पहुंचा रहे हैं। मैंने उनसे बात करी थी, जो जितेंद्र हैं एमपी वेयर हाउस के इंचार्ज हैं यहाँ के स्टोरेज के, तो उनसे मैंने बात करी है और उनसे बोला कि ऐसी स्थिति उत्पन्न दोबारा से ना हो, गेहूं भीगने से पहले ही आप उसको पूरा प्रॉपर कवर करके रखें और गेहूं एक भी खराब ना हो, किसी का नुकसान नहीं। मैडम यही स्थिति अभी कुछ समय पहले भी निर्मित हुई थी, 16 तारीख को हमने इसी को लेकर कवरेज किया था, जिसमें गेहूं इतने भीग चुके थे कि वो अंकुरित भी हो गए थे और उनमें कई गेहूं में तो कट्टों में ये अपने कीड़े पड़ चुके थे। मैडम इस बात को लेकर के मैंने उनसे बात करी है और उनको चेतावनी भी दी है इस बारे में, उनको बोला है कि आगे से कंप्लायंस करें ऑर्डर्स का, इस तरह से गेहूं खराब नहीं होने दें, तो उनको अब वो आगे से इसका फ्यूचर में ध्यान रखेंगे और पूरी केयर करेंगे। ये मैडम यदि आगे से ऐसा फिर देखने में मिलता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? तो उनके लिए जो भी नियमानुसार कार्रवाई है उसके विरुद्ध की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।